अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे एंड कैटल मार्केट कराची। दोस्तों आज हम लोग मौजूद हैं जोहर गोट एंड कैटल फॉर्म पे, और आज हमारे साथ हैं मुजम्मल भाई मौजूद। उनसे हम यहाँ पे पलाई सर्विस वगैरह चल रही है, उसके हवाले से डिटेल्स वगैरह लेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिएगा, और मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान मीडिया टुडे को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मल भाई, और उनसे हम लेंगे अभी तफसीलात वगैरह पूछेंगे यहाँ पे जोहर गोट फॉर्म पे, के उनके बकरे वगैरह सेल के वगैरह के लिए और पलाई सर्विस वगैरह के लिए हवाले से जो भी हैं वो डिटेल्स आप मुजम्मल भाई हमें दे दें थोड़ी सी। ठीक है भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। वालेकुम। और इस वक्त हम जोहर गोट एंड कैटल फॉर्म पे, ऐसे मुबीन ने बताया, हम लोग मौजूद हैं। भाई सबसे पहले स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि ये इनकी जो है ना वो ग्रास है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी जंतर उगाई हुई है, तो सारा ऑर्गेनिक काम करते हैं ये लोग। वो एक बकरी खुली हुई है, वो देखें सामने जंतर खा रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारा सीन है। अच्छा, उसके अलावा जो है इनके दो शेड्स हैं। पहला शेड जो है एक ये है, ये मुबीन आप दिखाएं शेड अपनी वीडियो में, एक शेड ये इसको दिखाएं, ये देखें माशाल्लाह, ये इनका जो है ये पहला शेड है। यहाँ पर इन्होंने बकरे बकरियाँ वगैरह रखे हुए, बच्चे भी रखे हुए हैं, और इनका एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का ब्रीडर है ये भी इन्होंने रखा हुआ है। ये कौन सा है ब्रीडर? ये बिसर टापरा कहलाता है, बिसर टापरा सिंध की नस्ल है ये, बिसर टापरा ये कहलाती है ब्रीड, ठीक है। और इस ब्रीडर के बहुत खूबसूरत खूबसूरत से बच्चे भी हैं, वो भी अभी कोशिश करते हैं कि हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं इनके इस ब्रीडर के जो बच्चे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडर है इनका, और काफ़ी सारी ये लोग इससे ब्रीड्स ले चुके हैं। अच्छा, अभी मैं बात करता चलूँ उनके थोड़े से सेटअप से रिलेटेड। तो ये जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इन्होंने ड्रम्स को आधा आधा काट के जो है ना, और उसके लोहे के फ्रेम बना के उसके अंदर इन्होंने ड्रम्स रखे हुए हैं, उसके अंदर ये जो है दाना देते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पूरी एक ग्रिल बनाई हुई है जैसे आप देख सकते हो, वो ताकि टाप के ना आ सके यहाँ से इधर। हाँ, इधर से इधर नहीं आ सके, बहुत ज़बरदस्त है। साइड में इन्होंने जो है वो पक्की ईंटों से जो है ना वो दीवार बनाई हुई है, और अच्छी खासी ऊंची बनाई हुई है, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रॉपर तरीके से इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। ऊपर जो है ये इन्होंने टीन कहलाएगी, मेरे ख्याल से टीन की जो है ना वो चादर डाली हुई है ऊपर, और उससे ये रहता है कि जो है ना वो गर्मी की तपिश जरा कम रहती है, धूप रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसकी तपिश अंदर नहीं आती है। गर्मी के अलावा बेसिक जो इसका बेनिफिट है वो है कि अगर बारिश होती है तो पानी नहीं आएगा, पानी इधर और उधर बाहर निकल जाएगा, अंदर कुछ भी करके नहीं आएगा। जो आपके वो वाले छपड़े होते हैं ना बांस के, या उससे जो छाल जो होती है खजूर की, वो उसमें पानी लामोहाला जो है जब तेज़ बारिश होती है तो आना शुरू हो जाता है अंदर, ठीक है। एक और चीज़, ये सामने छोटे छोटे से इन्होंने जो पिलर्स हैं उसके ऊपर ही इन्होंने बॉक्स बनाए हुए हैं, इनकी दवाइयाँ वगैरह वो सामने आप देख सकते हैं। अब इन्होंने जो है ना वो डुअल शेड बनाया हुआ है, एक ही शेड में एक इनका ये पार्टीशन है, सही है, एक और वो एक पार्टीशन वो है। फिर दूसरा इन्होंने ज़बरदस्त काम ये किया है कि दोनों पार्टीशन के साथ जो है ना बाहर एक कवर्ड एरिया रखा हुआ है उनकी चहल पहल के लिए, यहाँ पे जो है ना वो खेल कूदते हैं शाम में, वहाँ से वो दरवाजा वालों का अलग है और उधर वालों का अलग है, उधर वालों का अलग है, दोनों का अलग अलग वो रखा हुआ है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, यानी कि ना प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। और इसको भी जो है वो इन्होंने ग्रिलिंग करके जो है ना ग्रिल वगैरह लगा के चारों तरफ से बाहर से बंद किया हुआ है। नीचे कच्ची जमीन है तो एक नेचुरल कच्ची जमीन पर और अच्छे वो होते हैं, आराम से जो है ना उनको सुकून से उठते बैठते हैं, खेलते कूदते हैं बकरे, खुर वगैरह ख़राब नहीं होते इससे, क्योंकि पक्की ज़मीन के ऊपर खुर वगैरह का बड़ा मसला रहता है। तो ये जो है एक प्रॉपर जो है वो शेड वगैरह बनाए हुए, यहाँ पे इनका जो है वो बछड़ों का सेटअप है, और उधर बिल्कुल आगे जाके अभी हम चलते हैं आगे, इनका बकरों का दूसरा सेटअप है, फिर हम थोड़ी सी डिटेल्स भी मैं बताऊँगा कि पलाई सर्विस की इनकी डिटेल्स क्या है और क्या ये चार्जेस ले रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो सामने मुबीन अगर आप दिखाओ तो ये इनका दूसरा शेड है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से अलग अलग कमरे भी बनाए हुए हैं। ये बाहर का इनका कवर्ड एरिया है जहाँ पे जो है ये शाम में वॉक करने के लिए आते हैं, शाम में दिन में जब चाहे बाहर आ जाए, और ये खुले बैठे रहते हैं। देखिए कितने सुकून से सारे चिलिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह जोड़ियाँ जोड़ियाँ बना के बैठे हुए हैं। तो इसके अंदर भी एक ब्रीडर भी है, और एक दो बकरियाँ जो है मुझे बहुत पसंद आई हैं, सामने गोल्डन बकरी जो बैठी हुई है चश्मा प्रिंट के अंदर, वो बड़ी प्यारी है। एक वो, हाँ अंदर आके देखते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने एक प्रॉपर गेट बनाया हुआ है, ये इसको लगी हुई है रस्सी वस्सी बांधी हुई है, खुलेगा कहाँ से ये? हाँ यहीं से खुलेगा, खुलेगा। चलो भाई, अरे पूरा इन्होंने तो भाई रस्सी से ऐसा बांधा हुआ है, बच्चा अच्छा भी नीचे से ना निकाला है, ताकि ना छोटे बच्चे नीचे से बाहर आ जाते हैं वरना। ये इनकी नर्सरी बनी हुई है बच्चों की। हाँ, ये इन्होंने जो है वो केजेस बनाए हुए हैं,
दो केजीज है इनके पास, एक ये रहा, एक वो सामने है, ठीक है। इसके अंदर ये जो नीचे कपड़ा दिख रहा है, कपड़े पे कोई यानी कि गीला वीला नहीं होते बच्चे पेशाब वगैरह, और इस कपड़े को कवर्ड भी कर देते हैं, ऐसे सामने वाले को उन्होंने कवर्ड बनाया हुआ है, बिल्कुल ही कपड़े से ढांका हुआ है। तो ये जो है बहुत यानी कि बेहतरीन चीज़ है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे मसला ये होता है कि ना मिट्टी खाते हैं उल्टी सीधी और चीज़ें करते हैं ना, तो उसकी वजह से उनको एक केज के अंदर एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखना होता है जहाँ वो ज्यादा मिट्टी वगैरह ना खाएं और इस तरह की हरकतें ना करें। और तो ये शेड्स वगैरह जो बने हुए अंदर, ये इन्होंने अलग अलग पार्टीशन बनाए हुए हैं, एक पार्टीशन में बकरियां रख देते हैं, तो किसी के अंदर गब्बन है, किसी में खाली बकरियां हैं। ये वाला सामने वाला जो शेड है ये छोटे बच्चों का है, ज्यादा बड़ी एज वाले नहीं है जो, उनके लिए रखा हुआ है इन्होंने। तो अलग अलग जो है वो पार्टीशन बने हुए और पक्का काम हुआ हुआ है ऊपर भी जो है ना, देखें आप ये पूरा एक बहुत बड़ा सा इन्होंने शेड बनाया हुआ है। और अच्छा यानी कि वेस्ट और ईस्ट ओपन जो होता है ना, यानी कि ताकि हवा का भी गुजर रहे और धूप भी थोड़ी बहुत आए, वैसे धूप के लिए तो बाहर का इन्होंने पोर्शन रखा हुआ ही है। अच्छा, बराबर में जो है ये पौधों की एक नर्सरी है, तो वहाँ से जो है बिल्कुल फ्रेश एयर आती है। पीछे भी गार्डन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल फ्रेश एयर आती है, चारों तरफ ही गार्डन है। हाँ, चारों तरफ से खुला हुआ भी है, वेंटिलेशन भी है, और क्या कहते हैं अपना फ्रेश एयर भी है। ये लोहे की इन्होंने यहाँ पर भी खुरलियाँ बनाई हुई हैं, पक्की खुरलियाँ बनाई हुई हैं। इसमें क्या होता है कि दाने में जो है ना वो कीड़े वगैरह नहीं आते लोहे की खुरली के अंदर। ये तो मेरा अपना जाती तजर्बा भी है, हमारे पास भी लोहे की जो खुरली थी, वरना जो आपकी ये वाली खुरली होती है लकड़ी की, उसमें फंगस बड़ी जल्दी लग जाता है लकड़ी की खुरली के अंदर। इसके अंदर बहुत लेट जाके 3-4 साल चलेगी, और अगर आप गीला दाना देते हैं तो फिर जाके अगर जंग लग जाए वो एक अलग बात है, लग जाता है। अगर आप इसके ऊपर कलर करते रहेंगे इस खुरली के ऊपर, तो जंग से भी आप बचे रहेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, ये यहाँ पर भी इन्होंने जालियाँ लगा के प्रॉपर जो है वो शेड किया हुआ है। आगे जाके आप थोड़े से इनके जानवर देख लेते हैं। और अच्छा, लाइट भी लगाई हुई है इन्होंने यहाँ पे, अगर आप लाइट दिखाओ तो प्रॉपर यानी कि एक इलेक्ट्रिसिटी का भी काम चल रहा है, प्रॉपर यानी कि एक सेटअप है माशाल्लाह से, कि जो एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अच्छे मॉडर्न गोल्ड फॉर्म की, अच्छे तरीके से हेल्दी बच्चों के लिए। अच्छा, ये इनका ब्रीडर है, इसके जो है बच्चे हैं माशाल्लाह, यहाँ पे सारे जितने भी बच्चे हैं, नहीं सारे बच्चे इसके नहीं है, कुछ बच्चे वो उस वाले ब्रीडर के हैं जो हमने बिसर टापरा दिखाया था, और कुछ बच्चे जो है वो इसी के हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसके कौन से हैं, बट ये है कि ये सारा माल जो है वो फॉर सेल है। इसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं जो अगले साल बकराईद पे दो दांत हो जाएंगे, उनकी प्राइस रेंज है 10,000 रुपये का एक बच्चे से लेके 15-20,000 रुपये तक का भी बच्चा है। मिनिमम 10,000 है, मैक्सिमम 20-25,000 है, ठीक है। और बकरियां जो हैं उनकी प्राइस रेंज जो है वो 15,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 25,000 रुपये तक है। और जो ब्रीडर है, ये वाला इनका ब्रीडर, इसका सीन ये है, उन्होंने बोला है कि अगर आप कोई बंदा 10-12 बकरियां ख़रीदता है तो उसको ये ब्रीडर सेल करेंगे, सिंगल खाली ब्रीडर ये सेल नहीं करेंगे। की वजह ये है कि इनके अपने भी बकरियां हैं लोगों की। हाँ, और ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रीडर है, इसकी जो ब्रीड्स वगैरह ले चुके हैं, इसको देख के ना टापू की याद आती है। हाँ, टापू जैसा है हमारे थोड़ा बहुत। और बाकी ये देखें बच्चा दिखाएं, तो 95% इनके पास ये पिंक नोज के अंदर है, जो गुलाबी बकरी है ज्यादातर जो है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह कमेंट जरूर करिएगा। बेहतरीन बात एक और ये है कि जितनी भी ये बकरियां दिख रही हैं और ये बच्चे दिख रहे हैं, ये सारी इनकी इन हाउस ब्रीड है, यहीं पर ही इनकी प्रोडक्शन हुई भी है, खरीदा हुआ माल नहीं है किसी मंडी से, वैक्सीनेटेड भी है। लेकिन इस बकरे की इसमें अच्छी खासी ब्रीड है, और कुछ ब्रीड जो है वो दूसरे बकरे की है। आगे आपको मैं बच्चे दिखाता हूँ इस बकरी के, ये जो बकरी खड़ी हुई है इसने भी 10-12 दिन पहले बच्चे दिए हैं। ये माँ है और बाप जो है ये इन बच्चों का, वो जो हमने अभी दिखाया था बिसर टापरा ब्राउन एंड वाइट जो अजरक की था, ये बच्चे हैं भाई माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही क्यूटूज हैं माशाल्लाह। ये मेल है, ये फीमेल है, और मेल ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, फीमेल फॉर सेल है, और ये भी एक फीमेल है, किसी और बकरी ये उस वाले का है, ये इसका इस बकरे बकरा इसका दूसरा बकरा और बकरी दूसरा है इसके, ठीक है। तो माँ जो है वो खड़ी हुई है अपने बच्चों के पास, करीब खड़ी हुई है माशाल्लाह, तो उनकी टेक केयर के लिए, लेकिन ऑलरेडी अच्छी टेक केयर हो रही है। यहाँ पे बोरियाँ भी लगी हुई है सर्दी से बचाने के लिए, ये पर्दे भी इन्होंने लगाए हुए हैं, तो यानी कि एक प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर यानी कि इन्होंने शेड वगैरह बनाए हुए माशाल्लाह। मुझे पलाई सर्विस वगैरह के हवाले से कुछ बता दें। पलाई सर्विस के हवाले से मैं बताता चलूं कि बकरों की जो पलाई सर्विस है कुर्बानी के बकरों के लिए, वो 5,000 मंथली है। अगर बकरे की एज 7 महीने से ज़्यादा है, 7 महीने या उससे अबव है, तो उसके 5,000 रुपये चार्जेज है मंथली। और अगर बकरे की एज छोटा बच्चा है बिल्कुल 3 महीने 4 महीने का, तो उसके 3,000 रुपये मंथली उसके प्राइसिंग है। अब इसके अंदर जो है
इनकी सारी यानी कि फीड भी शामिल है, उसके अंदर उसकी वैक्सीनेशन भी शामिल है, उसके अंदर जो है सारा ट्रीटमेंट भी जो है वो सारा सब कुछ शामिल है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। 3,000 रुपये छोटे बच्चे जो 3 महीने के हैं और 5,000 रुपये जो 7 महीने उससे अबव के बकरे हैं उनकी है। बकरियों की पलाई ये नहीं कर रहे हैं, बाहर से अगर आपकी बकरी देंगे नहीं लेंगे। हाँ, इनसे कोई बकरी परचेस करके इन्हीं के पास पलाई पे रखवाना चाहें तो वो ये रख लेंगे, और कोई बाहर वाली बकरी नहीं रखेंगे, ठीक है। उसका कोई रीज़न? उसका रीज़न यही है सिंपली कि जो है बाहर से अगर कोई बकरी आती है उसका नहीं पता कि क्या बीमारियाँ हैं और उसका क्या मिजाज है, क्योंकि बकरियों में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको पालना मुश्किल है। इनकी अपनी जो बकरियाँ हैं ये काफ़ी टाइम से पाल रहे हैं तो इनको पता है किस बकरी का क्या मिजाज है, और अगर कोई बीमारी में है या नहीं है तो उसका भी इनको अच्छे से नो हाउ है। तो वैक्सीनेशन भी यहाँ पर हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं माशाल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। 5,000 रुपये मंथली के अंदर, बकरियाँ नहीं हैं सिर्फ बकरे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने थोड़ा सा हमें वक्त दिया। और चलें दोस्तों यहीं पर वीडियो का एंड भी करते हैं अब, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए पाकिस्तान मीडिया टुडे सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।